हाँ जी परे चली जाए उसको कहते हैं गति, तो सदगति किसे? पांच तत्वों के शरीर में रहते हुए भी आत्मा आत्मिक स्थिति में बनी रहे, देह के आकर्षण में ना आए, उसको कहते हैं सदगति। सद माने सच्ची, और सच्ची गति को सिर्फ तुम 33 करोड़ देवताएं ही पाते हो। 33 करोड़ भी न कहें, सिर्फ 10 करोड़ आत्माएं हैं जो नंबरवार सदगति को पाती हैं। अरे कथा बंद करो, क्या पूछना चाहते हो सो तो बताओ। ऐसे क्या हुआ कि कोई बच्चों में आके दृष्टि देता हूँ? हाँ, क्या माना? बच्चे सर्विस नहीं करते हैं, तमो प्रधान बच्चे हैं, तमो प्रधान आत्माएं सर्विस करेंगी या सतो प्रधान आत्मा सर्विस करेगी? तो बच्चे तो सारे ही तमो प्रधान हैं, मनुष्य सृष्टि के बाप से लेकर के A to Z सब तमो प्रधान है। तमो प्रधान के कैसे संकल्प चलेंगे? तामसी संकल्प चलेंगे, वाचा भी तामसी निकलती है, कर्मणा भी तामसी ही होगी। तो बाप कहते हैं कि सर्विस तो सिर्फ सात्विक आत्मा ही करती है, जिसको कहते हैं सदाशिव। और सदाशिव संगम युग में जब आते हैं तो सदा अर्थात मुकर्रर रूप से किस में प्रवेश करते हैं? है मुकर्रर माने सदा, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं वो ही साबित होता है प्रूफ और प्रमाण के साथ कि ये शिव बाबा का प्रैक्टिकल पार्ट है। बाकी दूसरी आत्माओं में भी प्रवेश करते हैं सेवा करने के लिए, कभी दृष्टि से सेवा करते हैं, कभी वाचा से सेवा करते हैं, परंतु कोई भी बच्चा ये कह नहीं सकता कि मेरे में है शिव बाबा है, क्योंकि इस बात का कोई भी प्रूफ प्रमाण नहीं मिलेगा। और बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कभी मानेंगे नहीं, अगर मान लेवे तो फिर उनकी श्रीमत पर भी चलना पड़े, फिर तो अनेक भगवान हो जाएंगे। भगवान एक है या अनेक है? भगवान तो एक है। और बाबा, पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है लेकिन उनकी जड़ तो में बुद्धि है, तो ये आत्माएं भी सभी परम अनगिनत आत्माएं हैं, ये सभी भी परम धाम में निवास करती है। जो जितनी सूक्ष्म बुद्धि आत्मा होगी
वो परम धाम में उतना ही परे ते परे स्टेज में, पृथ्वी से उतना ही परे से परे स्टेज में रहेगी। और जो जड़त्वमयी आत्माएं होंगी नंबर वार, वो उतना ही पृथ्वी के नजदीक रहेंगी, रहेंगी सब परम धाम में। पांच तत्वों वाली वायुमंडल वाली पृथ्वी के आकर्षण में नहीं रहेंगी, लेकिन कोई पृथ्वी के नजदीक रहेंगी और कोई पृथ्वी से एकदम परे रहेंगी। पृथ्वी के आकर्षण से सबसे जास्ती परे रहने वाली आत्मा कौन सी है? शिव बाप। उसके बाद इस मनुष्य सृष्टि का पिता, उसके बाद है उसके बाद अष्टदेव। जैसे कि माला बनती है, फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला, तो बुद्धि योग के हिसाब से माला बनती है या ऐसे ही बन जाती है? जितना जितना तीक्ष्ण बुद्धि योग, जितना जितना चैतन्य बुद्धि होने के कारण बाप की पहचान होगी, उतना ही नजदीक रहेंगे बाप के। और जड़त्वमयी पृथ्वी और उससे लगे रहने वाले पांच तत्वों के परे होगी। ये नियम है बुद्धि योग का। और हमारे गांव के पास एक बड़ा डैम बन रहा है जिसमें 84 गांव डूबने वाले हैं। भारत में सबसे बड़ा डैम है, इसका उद्देश्य में क्या? शिव बाबा भी एक बड़ा डैम बना रहे हैं। उस डैम में जो 84 जन्म लेने वाले हैं वो भी डूबेंगे। सब डूबेंगे या कोई बचेगा? है? है? कोई बचेगा या सब डूब जावेंगे? सब नहीं डूबते हैं। क्या बीज बचेगा या नहीं बचेगा? बीज तो बचेगा। माया फाइनल पेपर में सबको डुबावेगी, नंबर वार डुबाएगी या पूरा ही डुबाएगी? नंबर वार डुबाएगी। और नर भी साकार और नारायण भी साकार, नारायण की पहचान कैसे? नर देह अभिमानी और नारायण आत्माभिमानी, तो पहचान नहीं होगी। जो आत्माभिमानी होगा वो निश्चय बुद्धि होगा, या देह अभिमानी होगा वो सदाकाल का निश्चय बुद्धि होगा। है? जो सदैव आत्माभिमानी रहेगा वही निश्चय बुद्धि होगा और वही संपूर्ण विजयी भी होगा। जो संपूर्ण विजयी होता है 100% वही विश्व का बादशाह बनता है। निश्चय में परसेंटेज होती है तो विजय में भी
परसेंटेज बन जाती है। और बारह बारह के जो नौ ग्रुप हैं उनमें चार स्थापनाकारी, चार पालना और चार विनाशकारी हर दल में, तो ऐसे ही अभी बारह राशियां हैं क्या? बारह राशियों में चार चार राशियां इसी प्रकार हैं क्या? और अगर हैं तो कौन सी राशि स्थापना वाली, कौन सी पालना, कौन सी विनाशकारी? हर बात हर समय नहीं बताई जाती। जब तक जीवेंगे तब तक पीवेंगे। अभी तो आठ ही क्लियर नहीं हुए हैं, जो स्थापनाकारी और पालनाकारी हैं। तो विनाश करना बड़ी बात है, स्थापना करना बड़ी बात है या पालना करना बड़ी बात है? मेहनत ज्यादा किस में है? स्थापना में बड़ी मेहनत है। सबको एक जैसी पालना मिले इसमें भी मेहनत है। मकान बनाने में मेहनत है या गिराने में मेहनत है? है बनाने में मेहनत है। तो जिस कार्य में जितनी ज्यादा मेहनत है उतनी ज्यादा प्राप्ति है। गिराने का काम इंजीनियर करेंगे या मजदूर करेंगे? ज्यादा पेमेंट किसको मिलता है? हैं? इंजीनियर को ज्यादा पेमेंट मिलता है। परीक्षाएं पास की है ना, तो यहां भी ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें ऊंची ऊंची परीक्षाएं हैं। माया फेल कराती रहती है। और बाबा बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो बाबा हर दिन चार घंटे अनेक अनेक संग में आते हैं, अनेकों अनेक संग में आते हैं। चार घंटे संग में आते हैं स्कूल में जाने के कारण, तो बाबा उस संग के रंग से बचने के लिए बाबा क्या करते हैं? पढ़ाई भी तो दो तरह की है, डबली पढ़ाई और गाडली पढ़ाई। तो संघ में आना तो है, लेकिन कौन से संघ में आना है कि नहीं आना है? है? तो कौन से संघ में आना है? लेकिन बाबा जो अभी, अरे कौन सी पढ़ाई के संघ में आना है? गॉडली पढ़ाई के संघ में आना है और डॉगली पढ़ाई के संघ में नहीं आना है। डॉगली पढ़ाई पढ़ेंगे संघ का रंग लगेगा। कोई कितना भी अपने को खींच के रखे तो भी संघ का रंग जरूर लगता है। एक शिव बाबा है इस सृष्टि पर ऐसा पाटधारी जिसको संघ का रंग नहीं लगता है। बाकी दुनिया की कितनी भी पावरफुल आत्माएं क्यों न हो, कितनी भी महान पाटधारी क्यों न हो, ब्रह्मा जैसे, इब्राहिम जैसे, बुद्ध क्राइस्ट जैसे पाटधारी क्यों न हो, उनको भी संग का रंग जरूर लगता है। तो ऐसे संग के रंग में जाना ही क्यों? आज की जो पढ़ाई है, दुनिया भी पढ़ाई,
वो नौकर बनना सिखाती है या स्वाधीन राजा बनना सिखाती है? क्या बनना सिखाती है? हैं? नौकर बनना सिखाती है। और भगवान की पढ़ाई क्या सिखाती है? हैं? उस पढ़ाई का नाम ही है राजयोग। राजयोग सीखने वाले ही राजा बनेंगे। अगर पूरा श्रीमत पर चलते रहे तो कैसे संघ के रंग में आना है ये बुद्धि जज नहीं कर सकती। बाबा उसकी हिंदी छोड़ दें, छोटी क्लास में छोड़ दें, नॉलेज कितनी है? दुनिया का भी नॉलेज चाहिए ना बाबा। दुनिया का भी चाहिए तो डागलीपना भी चाहिए बाबा। छोटी क्लास में छोड़ दें पढ़ाई है? छोटी क्लास में पढ़ाई छोड़ दें। छोटी हो चाहे बड़ी हो, है तो डागली पढ़ाई। पढ़ाने वाले डाग हैं, बिचीज हैं या गार्ड हैं? रोज अखबारों में बातें निकलती रहती हैं। इस प्राइमरी टीचर ने इस बच्चे बच्ची के साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया तो उस टीचर के क्लास में जो वाइब्रेशन फैलते होंगे वो डागली पढ़ाई के फैलेंगे या गॉडली पढ़ाई के वाइब्रेशन फैलेंगे? है डागली पढ़ाई के वाइब्रेशन फैलेंगे। और बाबा जैसे किसी की मृत्यु यदि दुर्घटना है व्यक्ति उठने से होती है तो कहते हैं किसी अकाले मृत्यु, पर ड्रामा में जिसकी मृत्यु ऐसी लिखी है तो अकाले कैसे? लिखी किसने? जो कुछ भी लिखा गया प्रारब्ध में उस लिखने का जिम्मेवार कौन? स्वयं आत्मा जिम्मेवार है। स्वयं आत्मा ही अपना भाग्य बनाने वाली है, अपना भाग्य बिगाड़ने वाली है। आत्मा स्वयं का शत्रु है, आत्मा स्वयं का मित्र है। मित्र कब है? है मित्र तब है जब संगम युग में आए हुए बाप को पहचान कर बाप को फॉलो करती है, बाप की श्रीमत पर चलती है तो आत्मा आत्मा का मित्र है। और बाप की श्रीमत का उल्लंघन करती है, मनमत पर चलती है, दूसरे मनुष्यों की मत पर चलती है तो आत्मा आत्मा का शत्रु बन जाती है। और पावन बनने बिगड़ तो मेरे पास नहीं आ सकेंगे। इसका मतलब क्या है? चलो मतलब की बात छोड़ो, आप पूछना चाह क्या चाहते हैं? हैं? पावन बनने का बाबा के पावन बनने का पूछ। पावन बनने का तरीका तो बता दिया अपन को, आत्मा समझ बाप को याद करो। पावन ने कहा है पावन बनने बिना मेरे पास नहीं आवेंगे। अगर पावन नहीं बनेंगे तो मेरे नजदीक नहीं आ सकेंगे, इसका अर्थ पूछना है। इसका अर्थ है कि मैं जिस तन में आकर के पार्ट बजाता हूँ वो आत्मा भी 84 जन्म का पार्टधारी है या नहीं है? है? 84 जन्मों का पार्टधारी है। उस पार्टधारी के लिए ही बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो जो शिव बाबा 84 जन्मों में पार्टधारी है,
पहचान में तो सिर्फ संगम युग में आता है, बाकी जन्मों में पहचान में नहीं आता है। फिर भी इतना तो पक्का है कि कुछ आत्माएं उसके जन्म जन्मांतर नजदीक पाटदारी रहेंगी और कुछ आत्माएं नजदीक न रहकर दूर होती जावेंगी। इसलिए बोला, क्या बोला, पावन बनेंगे तो मेरे नजदीक आवेंगे और पावन नहीं बनेंगे तो जन्म जन्मांतर मेरे से दूर रह करके पाठ बजावेंगे। जब दूर रह करके पाठ बजावेंगे तो औरों का संग लगेगा या बाप का संग लगेगा, हैं? औरों का संग लगता रहेगा। तो घाटा होगा या फायदा होगा? घाटा होता जाएगा। और बिल्कुल बने रहो ना, हैं? किसी ने मना किया क्या? हैं? सोचते हैं तो बाबा भी नजदीक आने के लिए सोचेंगे। और बाप की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत अंतर है, परंतु मुख्य अंतर क्या? सारा ही तो अंतर है। 32 गुणों का जो चित्र दिया हुआ है, उस चित्र में जो बाप के गुण हैं, महिमा है, वो महिमा देवताओं की है नहीं? देवताओं की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाप इस सृष्टि पर जो पाठ बजाता है वो सर्वगुण संपन्नता का पाठ बजाता है क्या? और बजाता है तो सदैव बजाता है या कभी कभी बजाता है, कभी नहीं बजाता है? या देवताओं के साथ देवताओं जैसा पाठ बजाता है और असुरों के साथ असुरों जैसा पाठ बजाता है? अंतर है या नहीं है? जैसे ब्रह्मा जैसी आत्मा है, देवताई सृष्टि का पहला पत्ता है, तो वो पहला पत्ता संगम युग में जो प्रैक्टिकल शरीर रहते रहते पाठ बजाया वो सदैव देवताओं का जो गुणराज है सहन शक्ति, सारा जीवन उस गुण को धारण करके पाठ बजाया या कोई बच्चे को दुख भी दिया? सुख ही दिया। कोई पच्छड़ माल क्यों न सामने आ गया हो, कोई हत्यारा बन करके हथियार लेकर के हत्या करने के लिए सामने क्यों न आया हो, उसने भी क्या अनुभव किया? हैं? सुखदाई का अनुभव किया। तो ऐसी आत्माएं जो ब्राह्मणों की दुनिया में 10% की स्टेज में होंगी, कम ही कहें, वो आत्माएं देवतावर्ण की आत्माएं हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं हैं और उनमें भी नंबरवार हैं। कोई सतयुग के पहले जन्म में पहले पहले आवेंगी और कोई बाद में आवेंगी। वो देव आत्माएं और संगम युग में जो बाप से बादशाही लेते हैं विश्व की, उनको देव आत्माएं कहेंगे
है? कहेंगे है? या भगवान भगवती कहेंगे? भगवान के बच्चे भगवान भगवती की स्टेज वाले हैं। सौ परसेंट देवताएं नहीं कहेंगे। भगवान अगर इस सृष्टि पर सोलह कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बन करके आ जाए तो दुनिया में जो कलाहीन है, अंधेरा फैलाने वाले हैं, अज्ञान ही अज्ञान फैलाने वाले हैं, गुण नाम की चीज ही नहीं है, अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं, उनको कितना भी ज्ञान सुनाया जाए तो भी अवगुण के अवगुण ही बनकर रहेंगे। जैसे बोला जाता है कुत्ते की पूंछ 12 साल तक जमीन में गाड़ करके रखी जाए, सीधी करके फिर निकाली जाएगी तो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। जैसे गीता में कहा गया है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वो मूर्ख आत्मा है, जन्म जन्मांतर नरक योनि में जन्म लेती रहती है। तो वो अवगुण ही संपन्न है या गुण संपन्न है? अवगुणी है, उनका विनाश कौन करेगा? देवात्माएं उनका विनाश करेंगी क्या? करेंगी? नहीं करेंगी। तो ये पाठ शिव बाबा का है, महारुद्र का है, महान रौद्रधार रूप दान करने वाले बाप का है, और फिर उसके बच्चे भी हैं जो रुद्रगण कहे जाते हैं। अड़भंगा पार्ट है, कोई की समझ में आने वाला पार्ट जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। और है, अरे खाना आना खा के आए कि नहीं, थोड़ा जोर से बोलो, भाइयों को तो सुनाई पड़े। संगम की जो लक्ष्मी नारायण है ये राधा के जन्म देते हैं, ये सतयुग में राजधानी करती है, तो ये संगम की लक्ष्मी नारायण कहाँ रहते हैं? सतयुग में जो राधा कृष्ण बच्चे पैदा होंगे तो पैदा होते ही क्या माँ बाप को मार डालेंगे? है फिर जब वो राज करेंगे तब के कहाँ चलेंगे? कौन राज करेंगे? राधा कृष्ण तो जब बड़े होंगे तब ही तो राज करेंगे, या पैदा होते ही राज करने लग पड़ेंगे? तब तक कौन संभालेगा? माँ बाप ही संभालेंगे। बाद में कहाँ चलेंगे? बाद में कहाँ जाएंगे? 84 जन्म लेंगे, नीचे उतरते जाएंगे। सदा एक साथ समय किसी का सुना और नहीं देखा है, कोई हर जन्म में विश्व का बादशाह बन सकता है क्या? बन सकता है? नहीं बन सकता। विश्व की बादशाही तो सिर्फ बाप ही संगम युग पर आकर देते हैं, और उस विश्व की बादशाही में नंबरवार बच्चे सहयोगी बनते हैं। कोई राज्य अधिकारी के रूप में सहयोगी बनते हैं, कोई महारानी के रूप में सहयोगी बनते हैं, कोई छोटे मोटे राज्य अधिकारी बनते हैं, कोई साहूकार फर्स्ट क्लास प्रजा बनते हैं। वो प्रजा भी तो राजा को सहयोग देती है या नहीं देती है? नहीं देती है।
देती है, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास प्रजा बनते हैं, कोई फोर्थ क्लास प्रजा भी बनते हैं। सारी राजधानी स्थापन होती है। टोटल राजधानी की संख्या कितनी है? है? टोटल राजधानी की संख्या मन राजपद पाने वाले ही राजधानी में होते हैं, प्रजावर्ग के नहीं होते। प्रजा भी तो राजधानी में होती है या नहीं होती है? होती है। तो टोटल संख्या कितनी हुई? है 9 लाख। 9 लाख शरीर होगा उनका, है विश्व की बादशाही। उस विश्व की बादशाही में 9 लाख का शरीर होगा कि 4.5 लाख का शरीर होगा? 4.5 लाख शरीर होंगे। और जन्मों का पाप कर्म आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो एक जन्म में किए हुए पाप कर्म के आधार पर उसको अगला शरीर मिलता है और उसके द्वारा वो पाप कर्म होती है। तो जो कहते हैं कि उसके 63 जन्मों का पाप चढ़ा हुआ है, क्योंकि हर जन्म में तो वो उसको भोग रहा है ना 63 जन्म। कर्म चाहे पाप कर्म हो और चाहे पुण्य कर्म हो, पाप कर्म या पुण्य कर्म करने की जो गति होती है वो एक जैसी होती है, या कोई के पाप कर्म करने की गति बड़ी तीव्र होती है। एक ही जन्म में सैकड़ों हत्याएं कर देते हैं, और कोई के पाप कर्म करने की बहुत धीमी गति होती है। डरते डरते पाप कर्म करते हैं। कोई की पुण्य कर्मों की गति बड़ी तीव्र होती है, और कोई की बहुत धीमी गति होती है। तो हिसाब यह है कि जिनकी बहुत तीव्र गति होती है पाप या पुण्य कर्म करने की, उनको तीव्र गति से फल मिलेगा, जल्दी फल मिलेगा या देर में फल मिलेगा? है जल्दी मिलेगा, फल भी तीव्र गति से पाएंगे, अगले जन्म में ही उनको फल मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि एक जन्म में ही सिपाही से सम्राट बाबर ही बन जाए, ये भी हो सकता है कि एक ही जन्म में महारानी विक्टोरिया का वजीर बन जाए। इतनी तीव्र गति होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भी कर्म करते हैं वो अगले जन्म में फलदायी हो जाते हैं। नहीं, जिनकी पाप कर्म करने की बहुत धीमी गति होती है, उनके पाप कर्मों का खमाजा हो सकता है कि इकट्ठा होते होते जन्म जन्मांतर 84वें जन्म में आकर के फल देवे। ये नियम नहीं है कि हर जन्म में उसका फल मिल जाता है। और अभी तुमको अतिरिक्त दुख भासता है, जब भासता है जब हमने तुमको इनाम नहीं दिया,
तब भाजपा है जब हमने उनको किया ये 66 की वाणी डॉक्टरों से चली लेकिन अभी भी पुस्तक आया उनको अंतता है अभी भी पुस्तक आया उनको अंतता है सबको अभी भी देंगे तो अडॉप्ट किया है। अरे बाप ने अडॉप्ट किया है, तुमने अप्लाई किया है या बाप ने भी अडॉप्ट कर लिया है? अप्लाई किया है। बाप तो जानते हैं अभी भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं, आद निश्चय रूपी जन्म में आते हैं और कल अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है, तो क्या मुर्दों को अडॉप्ट करें? और तो क्या हुआ? बाप की बात बताई, 66 की है तो क्या अम्मा की बात थोड़े बताई? और पावन पहचान किया है, कैसे पहचान पावन की पहचान किया? जो पतित होगा, जितना परसेंटेज में पतित होगा उतना परसेंटेज में दुखदायी भी होगा, और जितना पावन होगा उसी परसेंटेज में सुखदायी भी होगा। और पांच पांडव हैं, पंडा के बच्चे पांडव, तो पांच शुभ हैं या अशुभ हैं? शुभ हैं। और तीन तिगाड़ा, जैसे तिबाटा होता है, तीन रास्ते जहां जुड़ते हैं, वो तीन रास्ते जहां जुड़ते हैं उसकी यादगार है त्रिमूर्ति रास्ता, ब्रह्मा का रास्ता, विष्णु का रास्ता, शंकर का रास्ता। एक इधर जाता है, दूसरा उधर जाता है, तीसरा इधर जाता है। तो संपूर्ण बनने से पहले ये तीनों ही मूर्तियां विपरीत मुख वाली हैं या एक दूसरे से सन्मुख मुख वाली हैं? हैं? विपरीत मुख वाली हैं, इसलिए बोला जाता है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। एक को पकड़ना है या तीन को पकड़ना है? है? एक को पकड़ना है, और एक भी ऊंचते ऊंच को पकड़ना है या मध्यम को पकड़ने से काम चलेगा या नीचे वाले को पकड़ने से भी काम चल जाएगा? है? ऊंचते ऊंच को पकड़ेंगे तीन में से तो काम बिगड़ने का सवाल नहीं है, थोड़े समय के लिए देखने में भला आवे कि अरे ये तो लंगोटिया बना दिया, लेकिन रिजल्ट में विश्व का बादशाह साबित होगा या लंगोटिया साबित होगा? विश्व का बादशाह साबित हो जाएगा। और हमारे गांव में एक सांप निकला था गांव के बाहर। तुम्हारे गांव की बड़ी महिमा है, है? पांच संख्या हाँ, तुम्हारे गांव में
तुम आत्मा हो कि शरीर हो? आत्मा। आत्मा का गांव 84 जन्म वही बना रहा क्या है? तुम्हारी आत्मा का गांव 84 जन्म में वही था क्या? हाँ बोलो। पांचपन का था वो सांप। है? वो सांप पांचपन का था। हाँ तो क्या? तो क्या हुआ? हाँ और गणेश की दो पत्ती रिद्धि सिद्धि दिखाई। हाँ बेहद में कौन है गणेश? जो देवता है वो सतयुग का देवता है, त्रेता का देवता है, द्वापर का देवता है या द्वैतवाद जब संपूर्ण स्टेज को पकड़ता है उसे कलयुग का देवता है? तो समझ में आया? कि द्वैतवाद कहां से शुरू होता है? द्वापर से शुरू होता है, और द्वापर में जो धर्म भारतीय धर्म बनते हैं वो द्वापर के आद से लेकर मध्य तक सात्विक स्टेज में रहते हैं, इसलिए वहां दो दो पत्नी की बात नहीं है देवता वर्ण की आत्माओं के लिए जो भारतीय धर्म में कन्वर्ट होती हैं। परंतु वही आत्माएं जब द्वैतवादी द्वापर के तामसी स्टेज में आती हैं, माने कलयुग जब शुरू होने वाला होता है तो व्यभिचार में गिर जाती हैं। जैसे बौद्ध धर्म पहले सात्विक स्टेज में था, बाद में बौद्ध धर्म की राजाई चट्ट हो गई। बौद्ध धर्म में भी सन्यास है, और उससे निकला सन्यास धर्म, वो भी सन्यासी है, द्वैतवादी हैं, एक बाप को नहीं जानते हैं। संगम युग में भी उन्होंने एक बाप को नहीं पहचाना। तो गणेश कोई एक होता है, अर्जुन कोई एक होता है, युधिष्ठिर कोई एक होता है, द्रौपदी कोई एक होती है, या नंबरवार अनेकों के पार्ट हैं? नंबरवार अनेकों के पार्ट हैं। शिव का बच्चा शंकर है, दोनों में ऊंचा कौन है? ऊंच पार्टधारी कौन है? शिव। और नेक्स्ट टू गॉड शंकर है। फिर शंकर के जो बच्चे पैदा होंगे वो बाप से ऊंच पार्टधारी होंगे या नीच पार्टधारी होंगे? हैं? नीच पाटधारी होंगे। तो नीच पाटधारियों में बड़ा बच्चा है कार्तिकेय, एक मुख से बात करता है या छह मुखों से बात करता है? छह मुखों से बात करने वाला है। छह आस्तिक धर्मों में भावना बैठ जाती है नंबर वार, इसलिए सन्मुख कहा जाता है, और उसकी पूजा उत्तर भारत में होती है, मान्यता उत्तर भारत में होती है या दक्षिण भारत में मान्यता होती है?
बाबा ने बोला है दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो वो विदेशियों की बीज रूप आत्मा है। विदेशियों में बड़े से बड़ा पावरफुल से पावरफुल धर्म कौन सा है? है विदेशियों के बीच, विधर्मियों के बीच बड़े से बड़ा पावरफुल धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। वो इस्लाम धर्म निवृत्ति मार्ग वाला है या प्रवृत्ति मार्ग वाला है? है निवृत्ति मार्ग वाला है, प्रवृत्ति में टिकता ही नहीं। प्रवृत्ति में टिकता है क्या? है टिकता है? नहीं टिकता। तो जो प्रवृत्ति में न टिकने वाला संन्यास धर्म अव्वल नंबर का है, सभी विधर्मियों के बीच, विदेशियों के बीच उसका बीज है कार्तिकेय। बल भगवान बाप आ जाता है, बाप को पहचानता भी है, पहले पहले पहचानता है, लेकिन पहचानने के बावजूद भी जल्दी विस्मृति में आ जाता है, क्योंकि बाप को फॉलो नहीं करता। कार्तिकेय बाप को फॉलो करता है या छोटा बच्चा गणेश फॉलो करता है? गणेश फॉलो करता है। बाप प्रवृत्ति मार्ग का तो गणेश भी प्रवृत्ति मार्ग का, और कार्तिकेय प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ देता है, भारतवासियों की सेवा करता है या विदेशियों विधर्मियों की सेवा करता है? विदेशियों विधर्मियों की सेवा करता है। तो दो बच्चे हैं शिव को एक बच्चा, गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। परंतु जो वन बच्चा है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है या जन्म मरण के चक्र से शिव की तरह न्यारा है? चक्र में आने वाला है, इसलिए उससे जो संतानें पैदा होती हैं वो भी दो प्रकार की हैं। एक गणेश जैसी संतान और एक कार्तिकेय जैसी संतान। कार्तिकेय पक्का विदेशी है और गणेश स्वदेशी है। जैसे झाड़ के चित्र में दाईं ओर की डालियां बौद्ध सन्यासी सिख है, स्वदेशी डालियां हैं, उन स्वदेशी डालियों का जो बीज है वो गणेश है। हैं तो स्वदेशी, लेकिन स्वधर्मी है या विधर्मी है? विधर्मी है। क्या निशानी है उनको? क्या निशानी दिखाइए? है अरे मुर्गा तो विदेशियों की निशानी है, मुर्गन स्वामी कहा जाता है। कार्तिकेय को क्या कहते हैं? मुर्गन स्वामी। मुर्गों की खासियत है कि पहले पहले जगते हैं, अमृत वेला जगते हैं और सबको जगा देते हैं।
क्या बोलते हैं, दाता गाँव, किसका गायन करो, दाता का गायन करो, और फिर खुद सो जाते। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो विदेशियों की बीज रूप आत्मा है, पहले पहले एडवांस ज्ञान में आती तो है, परंतु आने के बाद बहुतों को जगा भी देती है। पहले पहला लिटरेचर छपाने वाली वही आत्मा है एडवांस का, जिस लिटरेचर का नाम था शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। 9 पेज का आर्टिकल एक ही रात में लिख करके, और सभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में दूसरे दिन तकसीम कर देती है। ऐसी पावरफुल आत्मा है, जिसे शास्त्रों में ब्रह्मा के 4 पुत्रों में से एक कहा गया है। तो दूसरों को जगा तो देती है, लेकिन खुद सो जाती है। तो कौन सा प्राणी हुआ है? मुर्गा हुआ। इसलिए शास्त्रों में जितने भी सीरियल दिखाए गए हैं पौराणिक, उन पौराणिक सीरियल्स में जो राक्षस हैं, उन राक्षसों के सर पर जो ताज लगा होता है उसको ध्यान से देखना, उस ताज में किसका पंख लगा होता है? मुर्गे का पंख लगा होता है। इसलिए उन विदेशियों, उन राक्षसों के रचयिता बाप को उनका बीज कहा गया है। जैसा काम है वैसा नाम। क्या नाम? सुब्रह्मण्यम स्वामी भी कहते हैं, लेकिन दूसरा नाम मुर्गन स्वामी भी कहते हैं। और दूसरा है गणेश। गण माने समूह। किसका समूह है? देवताओं का समूह। जो देवताओं का समूह है वो सतयुग त्रेता द्वापर में जन्म लेते लेते कलयुग के आदि में जब आता है, तो वही गणेश की आत्मा जो सभी देवताओं का मूल है। कौन है मूल देवताओं में? पहला देवता कौन है सतयुग में? है ब्रह्मा बाबा उर्फ कृष्ण, पहला पत्ता। वही आत्मा सीढ़ी के चित्र में पहले जन्म में गणेश के रूप में दिखाई गई है। देह अभिमान सारा मुख से लटकता है, जैसे कि मुख में सारा देह बांध भर गया। उसको रूप भी वही दिखाया है जो संगम युग में फिल्म आया है, संगम युग में शूटिंग की है। क्या शूटिंग की है उस आत्मा ने? संगम युग में क्या शूटिंग की? कौन सी इंद्रिय की सबसे जास्ती शूटिंग की है? अरे जितने भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उन इंद्रियों में कौन सी इंद्रिय की सबसे जास्ती शूटिंग की?
कान की। तो गणेश के कान बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं। जरूर सबसे जास्ती ज्ञान किसने सुना है? सबसे जास्ती भी सुना और सबसे पहले इनके कान सुनते हैं। किनके? ब्रह्मा के। तो बड़े बड़े कान दिखाए गए हैं और माथा छोटा है या चौड़ा है? माथा भी बड़ा चौड़ा है। बुद्धिमान नर है? बुद्धिमान है या बुद्धू है? बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? किस अर्थ में बुद्धिमान कहे? मनन चिंतन मंथन तो नहीं किया? किया नहीं किया? फिर बुद्धिमान किस अर्थ में है? हैं? बाप को पहचानता था जो याद किया? पहचानता था है? अगर बाप को पहचाना होता तो संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रखता या बाप के नाम पर संस्था का नाम रखता? बाप का नाम पहले रखता। वो बात तो शिव बाबा को बतानी पड़ी मुरलियों में। ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रंग है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हो, ये रंग है। लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तब 66 से नाम सुधारा गया है। इसे साबित होता है कि ब्रह्मा को बाप की पहचान नहीं थी, तो भी माथा चौड़ा क्यों दिखाया गया है? है? माथा चौड़ा तो है, लेकिन वो चौड़ा माथा मनुष्य का है या जानवर का है? है? जानवर का है, मनुष्य का नहीं है। जानवर बुद्धि के हिसाब से विकसित बुद्धि है, मानवीय बुद्धि नहीं है। फिर भी आज की दुनिया के हिसाब से बाबा कहते हैं मनुष्य बदतर है या जानवर बदतर होते हैं? बंदर सबसे नीचे कहे जाते हैं, लेकिन बाबा ने बोल दिया आज के मनुष्य है जानवरों से भी बदतर है। तो वो जानवर अच्छे हुए या मनुष्य अच्छे हुए? है? जानवर अच्छे हुए। तो वो अच्छाई के हिसाब से वो आत्मा जन्म जन्मांतर का ज्यादा सुख भोगने वाली है या राम वाली आत्मा ज्यादा सुख भोगने वाली है? है? ज्यादा सुख कौन भोगता है, राम वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा? है? कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा सुख भोगती है, राम वाली आत्मा बुद्धि की विशालता होने के कारण संगम युग में भी सारा संगम युग संघर्ष करती है। संघर्ष करती है तो संघर्ष करने में खून ज्यादा बहता है, या जो संघर्ष नहीं करती है रानियां उनका खून ज्यादा बहता है? है? शारीरिक रूप से देखा जाए तो रानियां ज्यादा सुखी रहती और राजाएं? राजाएं जन्म जन्मांतर युद्ध में खून बहाते रहते हैं,
तो सुख शरीर से मिलता है या आत्मा से मिलता है? शरीर से मिलता है, है? राम वाली आत्मा आत्मिक सुख लेती है, जो विजय का सुख है वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, और कृष्ण वाली आत्मा अथवा कृष्ण के जो भी फॉलोअर्स हैं शुद्ध चंद्रवंशी हैं, वो कौन सा सुख लेते हैं जन्म जन्मांतर? है शरीर का सुख लेते हैं। तो गणेश को जानवरियत का चौड़ा माथा दिखाया है। भारत की जो महिमा होती है वीरता के हिसाब से, वो मानवीय महिमा है या जानवरियत की महिमा है? है जानवर की महिमा है। भारत के जो वीर हुए हैं, शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, जिन्होंने विदेशियों से मुकाबला किया, उन्होंने जानवरियत के आधार पर मुकाबला किया या मानवीय आधार पर मुकाबला किया? तो कैसे कहती है? तो दो बच्चे दिखाए गए हैं, शिव को एक बच्चा शंकर और शंकर को दो बच्चे कार्तिकेय और गणेश। राम को भी कितने बच्चे दिखाते हैं? नाम क्या है? हैं? लव। शारीरिक प्यार के हिसाब से देखा जाए तो कौन से धर्म में शारीरिक प्यार सबसे ज्यादा और सबसे सुख शारीरिक लेता है? इस्लाम धर्म। तो उसकी बीज रूप आत्मा का नाम है लव। लव माने है अंग्रेजी का शब्द है या हिंदी का शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेज देवान के सुख को सुख मानते हैं या आत्मा के सुख को सुख मानते हैं? आत्मा को तो पहचानते ही नहीं। तो एक बच्चा है लव, देह का सबसे जास्ती सुख लेने वाला, और दूसरे बच्चे का नाम कुश। कुश होती है एक घास, उस घास का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कांटे की तरह होता है, उसको कहते हैं कुशा घास। उसका नाम रखा गया है कुश। कुश अर्थात कांटे की तरह दुख देने वाला कौन सा धर्म हुआ? क्रिश्चियन धर्म। जब दुनिया का विनाश होगा, सारी दुनिया का विनाश होगा, तो उस विनाश का मूल निमित्त कौन से धर्म की आत्माएं बनेंगी? कैसे? जो एटमिक एनर्जी तैयार करते हैं वो सारी दुनिया के लिए दुखदाई बन जाते हैं, इसलिए उनका नाम रखा है कुश। राम को भी वही दो बच्चे दिखाए गए हैं, वही राम वाली आत्मा है, वही शंकर वाली आत्मा है। दोनों के दो प्रकार की रचनाएं दिखाई गई। शंकर को दिखाते हैं कार्तिकेय और गणेश, और राम को दिखाते हैं लव और कुश। और भक्ति मार्ग में शंकर के विवाह के समय दुर्वासा मुनि ने आके उन्हें श्राप दिया। किसको? शंकर को। हाँ, क्या श्राप दिया? अरे पूरी बात देखा करो ध्यान से। साप याद ही नहीं है, साप क्यों दिया? ये शादी नहीं हो सकती। है ये शादी नहीं हो सकती? बोले नहीं होगी। नहीं होगी?
फिर हुई तो हुई पर उसने कोई युक्ति निकाली हो। हाँ हुई तो हाँ। और यहाँ पर कोई भी पतित को आने का हुक्म नहीं है। हाँ जी, जब तक पवित्र रहने की प्रतिज्ञा ना करे। कोई विद्यालय हो, कोई ऑफिस हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, उसके अपने कुछ कायदे कानून होते हैं या नहीं है? जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, उसमें कायदा कानून बना हुआ है कि रेलवे स्टेशन में टिकट लिए बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन करते हैं या नहीं करते हैं? करते तो हैं। और करने वाले पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं? फिर उनको दंड मिलता है या नहीं मिलता है? वो तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, उसमें तो कभी दंड मिले मिले या न भी मिले। और ये तो श्रेष्ठाचारी रूहानी गवर्नमेंट है, यहाँ तो निश्चित है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा जरूर। ऐसा न समझे कि देखें हम भिखारी होकर के जाते हैं, जो भगवान बना बैठा है वो उल्लू का पट्टा हमें पहचानता कि नहीं पहचानता। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला, क्या बोला? यहां कायदा नहीं है। क्या कायदा नहीं है? कि कोई भिखारी आकर के बैठे। लेकिन बैठते हैं, बैठते हैं कि नहीं बैठते? आकर बैठते हैं। तो फिर दंड के भागी बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे। ऐसे नहीं है कि दंड के भागी न बने। आकर के बैठते हैं और बैठने के बावजूद वातावरण खराब करते हैं या अच्छा बनाते हैं? हैं? वातावरण भी खराब करते हैं तो डिससर्विस करते हैं या सर्विस करते हैं? हैं? डिससर्विस ही करते हैं। तो डिससर्विस करने का भी दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक तो श्रीमत उल्लंघन करने का दंड मिलता है और दूसरा डिससर्विस करने का दंड मिलता है। बाबा बना नहीं है इस्ताम पे सारा काना खेल बनता था पहले। मैंने मैं बाहर किसी मधुबन में जाते तो मैंने हार हुई है। निश्चय पत्र एफिडेविट पे बनवाना है कि नहीं? हाँ बनवा लो। तो अरकवान ने तो बहनों मना किया। हाँ क्यों मना किया? कि यहाँ नहीं बनेगा, दिल्ली हेड ऑफिस में जाओ, वहां पुराना आपका जो निश्चय पत्र है उसकी कॉपी मिलेगी, उस पुराने निश्चय पत्र की कॉपी के आधार पर आपको नया एफिडेविट बना के दे दिया जाएगा। हाँ और ठीक संबंध नहीं है, घर वालों से अच्छे संबंध है, घर वालों से ठीक संबंध है, लेकिन मां वालों से है? दोनों में से कौन सा? जिसका घर वालों से अच्छा संबंध है वो ही अच्छा है। खैरात कहाँ शुरू करनी है? खैरात घर से शुरू करनी चाहिए या बाहर से? स्नेह का दान देना है तो घर वालों को पहले देना है या बाहर वालों को पहले देना है? घर वालों को पहले स्नेह का दान देना है। घर के बच्चे भूखे मरते रहे और बाहर वालों को खैरात बांटते रहे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा है? नहीं होगा। ओम शांति। बस 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 बस, बस।